हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप सभी के इस यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं NCERT कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1। पहले हम लोग करते हैं, देखिए इसमें कई चरण हैं जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। आज हम यहाँ पे सिर्फ सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो अगर ये सबसे बड़ा वाला सबसे पहले लिखते हैं चरण एक में, और उसके बाद ये जो पीछे छोटा वाला रहता है उसको 135 यहाँ लिख देते हैं हम। इसके बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 135 से 225 में कितनी बार जा सकता है। तो अगर 135 का अगर हम 2 में गुणा करें तो 270 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा है। यहाँ 225, इसलिए हम एक बार ले जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या हम जोड़ दें, क्या जोड़ें हम कि 225 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3565, 200 मतलब कुल मिलाकर के अगर 90 जोड़ दिया जाए, 90 अगर जोड़ दिया जाए तो ये पूरा 225 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चरण दो लेते हैं, ठीक है। अब चरण दो में क्या है, चरण दो इसमें क्या है, जब हमारा चरण एक हो जाता है तो हम बराबर के सबसे पहले वाली संख्या लेते हैं और सबसे आखिरी वाली, और इस पर लेके फिर से हम जो है यूक्लिड विभाजन लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ फिर से 90 हो गया। अब हम सोचेंगे कि 90 कितनी बार जाएगा 135 में, तो 9 × 18 मतलब 90 × 180, 2 बार में 180 हो जा रहा है, तो इसमें भी हम एक बार ले जाएंगे और यहाँ पर कितना जोड़ने पर 135 के बराबर हो जाएगा, 45। 90 का 90 और 90 में 45 जुड़ेंगे तो 135 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जैसा कि हमारा जो है यहाँ 0 नहीं हुआ, तो हम चरण तीन पे आगे चलेंगे, और चरण तीन पे जब चलेंगे तो यहाँ हम ले लेंगे 90 और यहाँ ले लेंगे 45। तो हम देख रहे हैं कि 45 × 90 यानी 45 × 90 के बराबर हो जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा 0 आएगा। क्या आएगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः HCF बराबर कितना, बराबर ये हो जाएगा 45। ये हमारा आंसर होगा, उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड, तो दूसरा देखिए, ये हमारा 196 है और ये 3820 है। जी हाँ, तो अगर हम चरण एक की शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर चरण एक में जैसा कि आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये सबसे बड़ी संख्या हम आगे लिखते हैं और छोटी वाली संख्या पीछे लिखते हैं। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कितनी बार जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम मोटी मोटा हिसाब बैठाएं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 200 के करीब में है क्या, यानी कि किसके करीब में है भाई, 200 के, चलिए यही लिख देते हैं। और यहाँ पे ये 38,220 है, और अगर आप 200 का वर्ग करेंगे तो आप समझ सकते हैं 2 का वर्ग 4 और 2 जीरो का 2 दूना 4। तो यहाँ पर देखिए 196 है, तो अब 196 में हम कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हमारा 195 से ही चलिए गुणा करके देख लेते हैं। तो 5 × 6 = 30, हासिल लगा 3, और ये तो देख रहे हैं हम पूरा यही आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 196 में 195 का गुणा करें तो पूरा पूरा आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हमें केवल मात्र 0 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा एक ही चरण में HCF आ गया, हम लिखेंगे अतः HCF बराबर 196, यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अगर चरण एक हम अगर ले तो चरण एक में क्या है भाई, 867 है और 255 है। तो आप ऐसे सोचिए कि 255 250 के करीब करीब है। अगर हम 4 बार ले जाते हैं तो 1000 चला जाता है, लेकिन यहाँ 867 है, तो चलिए 4 बार ना ले जाके हम 3 बार ही ले जाते हैं। अगर हम 3 बार ले जाते हैं तो देखिए 3 से जब इसमें गुणा करेंगे, तो चलिए गुणा यहाँ पे कर लेते हैं, और 255 में जब हम 3 का गुणा करते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 16, और 3 × 2 = 6 और 1 = 765। तो ये 3 बार गुणा करने पर 765 जो है जा रहा है। अब हमें ये सोचना है कि 765 में हम कितना और जोड़ दें कि हमारा 867 हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि 102, अगर हम यहाँ पे 102 जोड़ दें तो ये हमारा 867 के बराबर हो जाएगा। देखिए 5 × 2 = 7 और ये 6 × 0 = 6, और 6 × 1 = 7, 8, इस तरह से हमारा बराबर हो गया। तो अब देखिए, जब चरण दो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ले लेंगे और लास्ट ले लेंगे,
यहाँ पे फर्स्ट 255 है और लास्ट 102 है। तो यहाँ पर भी देखिए कि 102 है उधर 255 है, तो दो बार ले जाने पर 204 होगा। तो यहाँ पे हम दो बार ले जाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये 204 हो जा रहा है तो यहाँ 51 हमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर 255 के बराबर हो पाएगा। चलिए यहाँ पर भी हमारा जीरो नहीं हुआ। अब हम यहाँ चरण तीन पर हम देखते हैं, तो ये जो चरण तीन है यहाँ पर हम 102 को ले ले रहे हैं और 51 को ले ले रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि दो बार में ये 102 चला जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा आएगा जीरो। क्या आएगा? जीरो। तो इस तरह से हम हमारा HCF जो है, जब यहाँ जीरो आ जाएगा तो आगे वाला HCF आता है HCF बराबर 51। तो इस तरह से हमारा यही हमारा उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, चलिए आप प्रश्नावली 1.1 के आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी दो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पर इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अनुप्रयोग। तो ये जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अनुप्रयोग वाला वीडियो आप इसको देख लेंगे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको आप देख लेंगे। इसका पूरा आपको उसमें सिद्धांत और उसका सॉल्व भी मैंने इसको क्वेश्चन को कराया है। आगे बढ़ते हैं। तो कक्षा 10 एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.1 जो प्रश्नावली 1.1 है, उसके तीसरा क्वेश्चन क्या है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी के 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए स्तंभों की अभीष्ट संख्या ज्ञात करने के लिए, जी हाँ, अभीष्ट संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 616 और 32 का हमें मॉस यानी कि HCF ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए चरण एक हमारा जैसा कि यहाँ पे है 616 और यहाँ पे 32। अगर हम 32 आप यहाँ पे मोटा मोटा आंकड़ा बैठा सकते हैं कि ये हमारा 600 है और ये है 32, तो इसको हम अगर 30 मान लें तो देखिए 0 से 0 कटकर 3 6 18 तीन दूनी 6 मतलब 20 बार, लगभग 20 बार जो है ये जो है जाना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ 600 से ज्यादा है और यहाँ पे भी 30 से ज्यादा है, तो हम देख रहे हैं कि अगर 20 बार ले जाएंगे तब तो ये 616 से अधिक हो जाएगा। तो हम 19 बार ले जा रहे हैं, तो 19 बार ले जाने पर हमारा अगर उसमें 8 और जोड़ दें तो 616 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम अगले चरण में क्या करेंगे, बराबर के बाद वाला ये संख्या, ये संख्या और ये संख्या दोनों लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 32 और 8 है, तो 8 के पहाड़ में चूंकि 32 आता है, 8 चौका 32 और यहाँ पे 0 जोड़ देंगे तो हमारा ये जो है हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। अतः HCF बराबर 8, इस प्रकार स्तंभों की संख्या बराबर 8, यानी कि अगर 8 स्तंभ रहेंगे तो ये जैसे कह रहे हैं इनकी शर्त का पालन होगा और जो है ये मार्च कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाइए कि किन्हीं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m के रूप का होता है। तो देखिए यहाँ पर भी ध्यान देने की बात है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है उसी पे अनुप्रयोग पर आधारित है, और यहाँ पर जो मैंने जो है इसका इस क्वेश्चन को भी इस अनुप्रयोग में जो वाला वीडियो है उसमें मैंने करवाया है, और इसका लिंक भी जो है सेम, ये दोनों लिंक जो है अगर आप डिस्क्रिप्शन देख ले रहे हैं तो आपको ये दोनों सॉल्व वहाँ पर मिल जाएगा और बड़े ही आसानी से आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। देखिए इसी पर आधारित एक प्रश्न यहाँ पे है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, जी हाँ, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग हल करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा माना चलिए यहां से दो पार्ट में कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। माना a बराबर bq+r, जी हाँ इस तरह से हम मान ले रहे हैं, जहां अब यहां पर देखिए सोचने वाली बात है यहां पर
कि यहां पर जहां B बराबर, अब देखिए जो क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा वही हमें मानना पड़ेगा, 9 दिया रहेगा तो 9 मानना पड़ेगा, अगर 3 दिया रहेगा तो यहाँ 3 मानना पड़ेगा, तो यहाँ B बराबर हम 9 मान ले रहे हैं। तथा अब देखिए ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो कंडीशन होता है वहां पर जो है ये जो R होता है, ये जो R होता है ये जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और हमेशा 20 से यानी कि 9 से क्या होता है, छोटा होता है। तो इस तरह से हम इसको देख ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पे हम करेंगे ये कि बारी बारी से हम जो है अर्थात तथा इतना, ठीक है। अब यहाँ पर कहेंगे जहाँ या अर्थात कर सकते हैं अर्थात। अब देखिए यहाँ पर इतने वैल्यू निकल रहे हैं आर बराबर, देखिए चूंकि यहाँ 0 कह रहा है और 9 से छोटा कह रहा है तो यहाँ पे ये जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जी हाँ इतना वैल्यू जाएगा। हर बार हमें वैल्यू उसमें रखना पड़ेगा, इसको हम एक मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जो है हर बार इसको रखना पड़ेगा और रखने के बाद जो है हमें उसका क्यूब करके इस रूप में उसको दिखाना पड़ेगा। अगर आप इसको देखेंगे तो ये समझ आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए हम यहाँ लिखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे चूंकि, हम चूंकि क्या लिखते हैं, जब जब r बराबर 0। अब देखिए जब यहाँ पे आप r 0 रखोगे और b का मान 9 है तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 9 क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्यूब कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं। और जब यहाँ पे हम क्यूब कर रहे हैं तो इस तरह से ये हो जाएगा, 9 का क्यूब जब करेंगे तो हो जाएगा 729, ध्यान दीजिएगा 729 हो जाएगा, 729 क्यूब के पावर 3। अब इसको देखिए हमें लिखना है 9m के रूप का, तो यहाँ पर हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं 9 और यहाँ पे हो जाएगा 81 क्यू घाते 3। अब देखिए चूंकि यहाँ 9 ये यम हुआ ना तो हम कह देंगे बराबर 9m, बराबर 9m, जहाँ m बराबर 81 क्यू पावर 3। तो इस तरह से देखिए इसको हमने इस रूप में दिखा दिया। अब हम हर एक ये देख रहे हैं ना 0 से लेकर पूरा हमें 8 तक जाना है और इसी तरह से हमको दिखाना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जब हम एक लेंगे तो यहाँ क्यूब का फार्मूला लगेगा, थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, फिर जो है ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब आर बराबर 1 तो a बराबर, अब देखिए a बराबर हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1। अब हमें अगर हमें इसका क्यूब करना है, अगर हम यहाँ क्यूब कर रहे हैं तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब इस तरह से हो जाएगा तब यहाँ पर देखिए जो है क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब a क्यूब और b क्यूब का फार्मूला, a क्यूब तो मतलब 9 का क्यूब हो जाएगा भाई 729 क्यूब पावर 3, प्लस बी क्यूब तो 1 का 1 ही रहेगा, प्लस 3ab तो 3 × 27 क्यूब, और फिर यहां हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1, इस तरह से। तो अब यहाँ देखिए थोड़ा सा इसको हमें और अरेंज करना पड़ेगा, चूंकि देखिए यहाँ हमें 9m+1 दिखाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको यहाँ पर कर देते हैं, ये एक किनारे कर दे रहे हैं चूंकि हमारा प्लस वन आना चाहिए, तो चलिए इसको मैंने किनारे कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 9, देखिए तो यहाँ हो जाएगा 81 क्यू पावर 3 और यहाँ हो जाएगा 9 × 27 क्यू, और यहाँ पे इसको ऐसे ही हम कोष्ठक में रहने देते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। तो इस तरह से देखिए कि क्या ये 9m+1 के रूप का बना, यहाँ बताना पड़ेगा जहाँ m बराबर जो यहाँ कोष्टक में संख्या है, ये 81 क्यू पावर 3 प्लस 3 क्यू और यहाँ पे हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1, इस तरह से पूरा ये जो है हमारा इस रूप का बन गया। इसी तरह से मुझे ध्यान दीजिएगा एक रखना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी तरह से रखकर आपको यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये हमारे सूत्र लिख दे रहे हैं यहाँ पर, a प्लस बी का होल क्यूब
और बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी कोष्टक में ए प्लस बी। तो आप देख रहे हैं, तो इसी तरह से आपको देखिए मैंने जीरो का वन का कर दिया, देखिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो मैं लास्ट के दो और कर दे रहा हूँ, बाकी आप इसी तरह से कर लेना, चूँकि ये बहुत लंबा जाएगा वो समय लगेगा, लेकिन मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ आप समझ जाओगे। चलिए यहाँ पे अब आप पीछे का हम लेते हैं सात, हम लिखेंगे इसी तरह से पूरा, ये सब भी आपको करना है, ये सब तीन दो तीन चार पाँच छः का सात आठ का मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब आर बराबर सेवन, जी हाँ जब आर बराबर सेवन होगा तो ए बराबर क्या होगा भाई, ए बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये यही हम इसी में हमें रखना है, तो बी का मान नौ है तो हम कहेंगे नौ क्यूब प्लस सेवन, जी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें क्यूब करना पड़ेगा, ए क्यूब बराबर नौ क्यूब प्लस सेवन का होल क्यूब, तो अब देखिए यहाँ पर यही फार्मूला लगेगा, ये जो सूत्र आप देख रहे हो यही फार्मूला यहाँ पर लगेगा और ए प्लस बी का होल क्यूब का। तो चलिए करते हैं, तो देखिए यहाँ से कर देते हैं आगे से कर देते हैं, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 729 क्यूब प्लस सात का क्यूब हो जाएगा 343, अच्छा जी 343 हो गया। इसके बाद और यहाँ पर हो जाएगा 7 9 63 और 63 3 3 9 3 6 18 इतना क्यू, और इसके बाद 9 क्यू प्लस 7 यही हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि जो है यहाँ पर देखिए हमें प्लस वन या आठ बनाना है, तो देखिए वन तो यहाँ आ नहीं रहा है तो हमें आठ बनाना है। अब चूंकि प्लस में आठ हमें बनाना है इसलिए हमें इसमें से आठ निकाल कर मैं किनारे लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हम नौ कॉमन ले रहे हैं चूंकि हमारा नौ यम प्लस आठ के रूप का बनना चाहिए, देखिए ये इसमें से तीनों में से कोई एक बन सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए जब हम 9 यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ 81 क्यूब क्यू क्यूब आ जाएगा, यहाँ से 8 जब मैंने निकाल लिया तो ये हो चुका है 335, कितना हो चुका है 335, और जब हम 9 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 335 हो गया। अब इसमें हमें 9 कॉमन लेना है तो 9 3 27 होता है, अब यहाँ पे अगर देखें तो 27 4 33 होता है, 5 में था 9 पूरे 45, तो देखिए पूरा 35 बार में पूरा कट जा रहा है, तो हम यहाँ बड़े आराम से 35 लिख देंगे, और यहाँ पर 9 से जब काटेंगे तो 9 2 18 9 का 9 क्यू और यहाँ 9 क्यू प्लस 7 ये तो है ही। अब इस तरह से हम यहाँ कोष्टक बना देंगे और यहाँ पर लिख देंगे बराबर 9m+8 जहाँ, अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ मैंने 8 बना दिया हुआ तो ये यम माना है तो इसको हमें बताना पड़ेगा, जहाँ m बराबर ये जो भी कोष्टक में पूरा संख्या लिखी हुई है ये पूरी संख्या यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, ये चीज यहाँ आपको बताना पड़ेगा। तो देखा आपने कि बन गया कि नहीं बन गया, सबसे करेंगे सबसे बन जाएगा, देखिए चलिए लास्ट कर देते हैं, लास्ट हमारा है 8 हमको लेना है, तो हम लिखेंगे जब आर बराबर यहाँ 8 ले लेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 9r+8, और तो हमें ए क्यूब चाहिए, हमें ए क्यूब चाहिए क्योंकि घन करने पर कह रहा है कि ये घन करने पर, तो क्यूब करना है तो भाई इधर भी क्यूब करेंगे, जब इधर भी क्यूब करेंगे तो फिर से वही फार्मूला लगेगा, देखिए मैं लगा रहा हूँ ए क्यूब बराबर 729 आर की घाते 3 और प्लस 8 times 64 = 512 इसका हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 8 3 2 6 और 3 7 21 और यहाँ 9r+8 इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए फिर से यहाँ पे देखिए हमें या तो 9 पूरे 45 और 6, तो यहाँ पर नहीं बन, यहाँ देखिए फिर से यहाँ पे हमें यही रूप बनाना है 9m+8 का, तो यहाँ पे ए क्यूब बराबर देखिए यहाँ हम 9 कॉमन ले रहे हैं और सब में से, और यहाँ पे हम प्लस 8 लिख दे रहे हैं चूंकि हमें पता है कि यहाँ पे 8 आएगा या फिर 1 आएगा या फिर ये आएगा, तो 9 8 72 9 81 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये क्यू था, ये आर हमने क्यू था, ये हमारा क्यू है, ये क्यू है,
ठीक है, तो यहाँ पे इतना क्यूब हो गया। यहाँ पर देखिए 8 जब हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, देखिए फिर से देखिए, जब 8 है बाहर निकालेंगे तो 512 में से जब 8 आप निकालेंगे तो 504 बचेगा। इसको भी 9 से अगर हम काटें तो कितना हो जाएगा, 9 पूरे 45, 5 बचेगा, 9 छंग 54, तो देखिए 56 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है, ये जरूर कट जाता है यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे 56, क्योंकि इसमें से 8 हम बाहर निकाल चुके हैं, जो बचा है देखिए 56 बार में कट जा रहा है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे 9 दूना 18 और 3 बचा 9 चौक 36, और पूरा यही 9 सॉरी Q+8 यहाँ बता दें। तो देखिए यहाँ पर भी आपने देखा कि ये 9m+8 के रूप का बन गया, जहाँ बता दीजिए यम बराबर 81r³+56+2 24, और यहाँ पे 9Q+8, तो इस तरह से ये बता देंगे। अब यहाँ पे एक लाइन नीचे लिखना पड़ेगा, थोड़ा जगह नहीं, लेकिन मैं फिल्म में बता दे रहा हूँ, यही आप लाइन लिख देंगे। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतने 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 के रूप का हो सकता है, क्योंकि हमने दिखा दिया। अब बाकी का ये जो 2 3 4 5 6 का है, इसको आप कर लीजिएगा सिंपली, आपका बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित हो जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और मैं आपको अवश्य रिकमेंड करूंगा कि ये जो है, आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुप्रयोग, इसको आप जरूर देखें, चूंकि 2 क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। तो इस तरह से हमारा एनसीईआरटी कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन हो गए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे 1.2 में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।